हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज मोमोज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने यहाँ 250 ग्राम मैदा लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो बनाएंगे। मैंने यहाँ डो तैयार कर लिया है। इसे हम आधे घंटों के लिए कवर करके रख देंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। इसके अंदर मैं क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डालूंगी। इसे अच्छी तरीके से भून लूंगी। बारीक कटा हुआ कांदा ऐड करेंगे। इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करूंगी। बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड करूंगी। इसे मैं कुछ टाइम तक भून लूंगी अच्छे से मिक्स करते हुए। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इन सभी को अच्छी तरीके से पका लिया है। अब इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मैदे का डो लेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसका मैं बॉल बना लूंगी। इसे हम बीच में थिक और बाहर से पतला बेलेंगे। मैंने इसे राउंड शेप देने के लिए बोल की हेल्प से कट कर लिया है।
मैंने यहाँ एक चम्मच वेजिटेबल की फिलिंग डाली है। इसका हम प्लेट बनाते हुए इसे बीच में ज्वाइन करते जाएंगे कुछ इस तरह से। इसे मोमोज का शेप देंगे। नाउ ये रेडी है, मेरा मोमोज का शेप बन चुका है। कुछ इस तरह से बाकी भी बना लेंगे। यहाँ मैंने स्टेनर को ग्रीस कर लिया है ऑयल की हेल्प से। इसमें हम थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए मोमोज को प्लेस कर देंगे। कुछ इस तरह मोमोज को हम स्ट्रीम करेंगे। मैंने यहाँ पानी बॉईल किया है, इसके ऊपर मोमोज रखूँगी। इसको कवर करके मैं इसको 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। याद रहे हमें मोमोज को स्ट्रीम करना है पानी की हेल्प से। नाउ 15 मिनट हो चुके हैं, मोमोज पक चुके हैं। इसे हम हाथों से चेक करके देख लेंगे स्टिकी तो नहीं है। नाउ ये रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।